आज हम लोग क्रैश कोर्स का दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। कल हम लोग कुछ 11th और 12th का फार्मूला देखे थे त्रिकोणमिति का, आज कुछ शेष रह गया था। कल जैसे फंक्शन का प्रांत और परिसर, अगर बोले तो डोमेन या रेंज। साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 तक होता है, अगर रेंज -π/2 से π/2 या बोल सकते -90 से 90 डिग्री तक। कॉस इनवर्स का रेंज प्रांत क्या होता है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का प्रांत दोनों सेम होता है, रेंज क्या होता है 0 से π। टेन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर को R से डिनोट किया जाता है। और टेन इनवर्स का परिसर क्या होता है, -90 से 90 के बीच। कॉट इनवर्स का प्रांत क्या होता है, 90 डिग्री। और इसका कॉट का यदि रेंज पूछा जाए क्या होता है, 0 से 180 डिग्री के बीच। यदि कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 से अधिक और -1 से छोटा। क्या बोल सकते हैं, 1 से अधिक हो या -1 से छोटा हो, लेकिन कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, -90 और 90 के बीच, लेकिन क्या नहीं हो, x = 0 नहीं हो। अगर 0 जो होते कोसेक 0 कम हो क्या होता है, अपरिभाषित होता है, इसलिए x = 0 कम हो नहीं हो। सेक इनवर्स का रेंज भी क्या होता है, 1 से अधिक और -1 से छोटा। सेक इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से π। लेकिन हम लोग इसमें सिर्फ जो है ना रेंज को याद रखना है, ताकि रेंज पे हो सकता है एक ऑब्जेक्टिव इससे दे सकता है, या जितना भी सवाल सॉल्व करेंगे वो रेंज पर आधारित अधिकांश होता है, प्रांत बहुत कम यूज होता है। इसलिए रेंज को आप लोग हमेशा याद रखें, ताकि रेंज से ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व होता है और जो नंबर या भी उसी से थोड़ा जो हेल्प होता है उसी के अनुसार से ध्यान किया जाता है। इस पे जो है रेंज पर आधारित 3 सवाल देते हैं और ये हर साल ऑब्जेक्टिव एक ना एक पूछा जाता है, हर साल एक ऑब्जेक्टिव इस टाइप का दिया जाएगा। जैसे अगर अभी हम पढ़े साइन का और पढ़े फार्मूला क्या होता है साइन का, यहाँ जस्ट फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर क्या, कल पढ़े थे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स रहता है, इससे क्या निकलता है एक्स, ये कब निकलता है, इतना बराबर एक्स कब लिखते हैं, जब एक्स का मान क्या हो, जब एक्स बिलोंग्स टू कितना, अभी जब साइन का रेंज क्या था, -90 से 90 डिग्री के बीच। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर पाई कब होता है, जब उसका रेंज -90 और 90 के बीच हो या π/2 से π/2 के बीच। अगर इसको देखा जाए तो जैसे ऑब्जेक्टिव में, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो सबसे पहले इसका आंसर ऑप्शन क्या दिया रहेगा, इतना बराबर 2π/3। आपको सबसे पहले इतना बराबर क्या रहेगा ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन यही दिया रहेगा, जो कि ये नहीं होगा। कि 2π/3 का मतलब क्या होता है, 2π का मतलब 180 और / 3, 2 से 60 60 से 60 दोनों 120, जो कि मेरा रेंज क्या है साइन का, -90 से लेकर 90 या -π/2 से π/2, जो कि रेंज ये क्या रहता है 120, जो कि 90 से क्या होता है अधिक हो जाता है, 120 क्या होता है इससे बाहर आ जाएगा, जो कि ये गलत है। इसीलिए जब भी अगर इसका सवाल होगा, अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो सबसे पहला ऑप्शन क्या देगा, जो कि ये बराबर कभी नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा गलत, इसका आंसर क्या होगा। तो इसको जो है सबसे पहले हमको इस दोनों के रेंज के बीच में ले जाना है, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स ऑफ साइन, आप सोचो नीचे में क्या है 3, अगर नीचे में 3 है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कैसे, π - π/3। इसको लिखने से क्या होता है, जब इसका सॉल्व करेंगे जब लघुत्तम 3, अगर 3 π π में घटेगा क्या आ जाएगा, 2π/3। अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन पाई माइनस साइन थीटा होता है, इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, अब साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए क्या गया, साइन थीटा का जगह कितना है π/3। अब यहाँ से फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स बाहर होता है, एक्स कितना है π/3, यहाँ से क्या होगा π/3 का मतलब कितना, 60 डिग्री। अब जानते हैं कि -90 और 90 के बीच में क्या आ जाता है, 60 डिग्री आ जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आपको ये भी ऑप्शन होगा और ये भी, तो ऑप्शन आपका ये क्या होगा, ये सही होगा और ये आप गलत होगा।
ये था साइन बराबर। यदि कॉस का सवाल, यदि कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स का रेंज क्या था? कॉस इनवर्स का रेंज मेरा क्या था? जीरो से पाई। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? जीरो से पाई। कॉस इनवर्स का रेंज होता है जीरो से पाई, मतलब जीरो से 180 डिग्री। लेकिन कॉस, अब ये इसको चेक करना है कि इसके बीच में आता है कि नहीं। क्या है वहाँ? 7 पाई 7 × 180 / 6, तो 6 × 36 = 28, मतलब 210 डिग्री, जो कि 210 डिग्री क्या होता है? 180 से अधिक आ जाता है। कॉस इनवर्स इसका सबसे पहला ऑप्शन क्या आपको रहेगा? ये 7 पाई / 6, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बराबर क्या होता है? एक्स। ये कब लिखते हैं? जब एक्स का मान क्या हो, जब एक्स बिलोंग करे क्या? जीरो से पाई के बीच। लेकिन अब ये एक्स के जगह जैसे 7 पाई / 6 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 7 पाई / 6 को हल करने पर हमको मिलता है कितना? 210 डिग्री, जो कि यह 0 से 180 डिग्री के मान में कॉस इनवर्स का रेंज आता है। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? 210 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से क्या होता है? 210 डिग्री ज़्यादा आ जाता है, इसलिए इसका रेंज ये नहीं आएगा। इसलिए इसको इतना बराबर हम ये नहीं लिख सकते, क्योंकि इतना बराबर एक फार्मूला होता है, कब जब जीरो और पाई के बीच का मान आएगा तब इतना बराबर क्या ये लिख सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब इसको हमको ये दोनों के बीच में लाना है, 0 और 180 के बीच में अगर आएगा तो हम उसको आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहला ऑप्शन क्या रहेगा आपका? वही रहेगा। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको? क्या कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, अब जैसे अब हमको ये जैसे यहाँ हम देखें क्या 2π/3 था, तो हम इस फॉर्म में लेंगे, क्योंकि इसका जब एलसीएम लेंगे तो मेरा फिर क्या आ जाएगा? 2π/3 आ जाएगा। उसी फॉर्म में इसको भी तोड़ देते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2π - कितना? 5π/6 लिख सकते हैं। अब इसी को यदि हल करते हैं क्या आता है? लगभग 6 आएगा, 6 × 6 = 12 में ये 5π/3 क्या आ जाएगा? 7 7π/6, ये कितना? ये कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स भी आ जाता है, और ये लघुत्तम लेने पर 6 × 12π / 12π / 5 कितना गया? 7π/6। तो हम ये उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब लिखने से क्या पता चलता है? कॉस ऑफ कॉस 5 − 2π - θ, कॉस 2π - θ क्या देता है? 2π जो होते कहाँ होता है? कॉस में 2π यहाँ होता है, 2π यही होता है, 2π = 360 डिग्री। अब इसमें कुछ थीटा घटा रहे थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? प्लस। तो इससे क्या आ जाएगा? कॉस और थीटा है तो थीटा, जितना बराबर ये फार्मूला है कॉस ऑफ 2θ, कॉस ऑफ 2π - θ बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। जितना बराबर हम क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स ऑफ कितना? तो कॉस 2π - θ क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 2π - θ क्या जाएगा? कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है? 5π/6। अब यहाँ से फिर यही फॉर्म में आ गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। अब यहाँ देखते हैं कि ये 5π/6, 5 का मान 180 डिग्री होता है, और बटे 6, जब इसको काटेंगे 6 × 6 = 12, मतलब 5 × 30, मतलब 150। अब ये 150 डिग्री जो है ये 0 और 180 के बीच में है, ये क्या हो सकता है? इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5π/6 इससे बाहर आएगा, और ये क्वेश्चन उसका आंसर होगा और ये आंसर नहीं होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपका ये भी ऑप्शन होगा और ये भी ऑप्शन होगा। इसी अनुसार से एक और सवाल है, क्या कॉट इनवर्स ऑफ 5π/6। अब ये कॉट का रेंज क्या होता है? कॉट का रेंज हम लोग अभी देखे, कॉट का कॉट और कॉस का रेंज क्या होता है? 0 से π के बीच होता है। कॉट के भी क्या होगा? 0 और π के बीच आता है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? इसको भी यदि हल करते हैं कॉट 5π/6 का मतलब क्या होता है? इसको भी लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कॉट पाई प्लस पाई बटे 4। अब इसको हल करें 4 लघुत्तम आएगा, 4 से 4π, 4π में 5π/6 आएगा। अब ये कॉट है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट पाई प्लस थीटा। कॉट पाई प्लस थीटा क्या होता है? पाई आपका क्या होता है? यहाँ पाई में कुछ थीटा जोड़ेंगे, क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? प्लस कर देना है, और कॉट फंक्शन चेंज नहीं होता, कॉट का कॉट क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट 5π/θ क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट 5π/θ कॉट थीटा देता है। तो कॉट इनवर्स ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉट इनवर्स ऑफ कितना? कॉट 5π/θ बराबर कॉट थीटा होता है, यहाँ कॉट 5π/θ। तो कॉट थीटा की जैसे कितना है? 5/4। यस क्या रहेगा? कॉट इनवर्स ऑफ कॉट कितना आ जाएगा? 5/4। तो कॉट का रेंज क्या होता है? 0 से 180 डिग्री के बीच, इसलिए 0 से 180 डिग्री के बीच में क्या आ गया? 5/4। तो यही इससे फिक्स एक आपको ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। इसी तरह फिर से दो हम सवाल देखते हैं।
इसी जैसा इससे पहले जो पढ़े, फिर तीन सवाल लेते हैं। अब इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, क्या है टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या पढ़ जाते हैं, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स बराबर क्या निकलता है एक्स। कब, जब टेन का रेंज क्या होता है, जब टेन एक्स का रेंज कब होता है, जब माइनस नब्बे से नब्बे के बीच। टेन में क्या रेंज होता है, माइनस नब्बे से नब्बे के बीच। उसे टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स एक्स निकालते हैं। कब, जब ये माइनस नब्बे और नब्बे के बीच हो। लेकिन यहाँ क्या है, थ्री इंटू पाई रूट ए, तो थ्री गुना पाई रूट ए फोर का मतलब होता है पैंतालीस। थ्री गुना पैंतालीस मतलब क्या होता है, एक सौ पैंतीस डिग्री। एक सौ पैंतीस डिग्री क्या होता है, नब्बे से अधिक आ जाता है। इसीलिए इसको हम इसका आंसर क्या नहीं लिख सकते, थ्री पाई रूट ए फोर नहीं लिख सकते। क्या है, ये क्या है, एक सौ पैंतीस डिग्री आता है, जो कि जीरो और नब्बे, माइनस नब्बे और नब्बे डिग्री के बीच आना चाहिए था। इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ टेन कितना। अब इसको जब इसको क्या लिखना चाहिए, लिख सकते हैं पाए माइनस कितना, पाए बटे फोर। जब इसी को हल करेंगे क्या आएगा, लगभग फोर आएगा, फोर में फोर पाए में पाए घटेगा क्या आएगा, थ्री पाए बटे फोर। अब क्या पढ़े हैं कि फार्मूला जी इलेवंथ हम पढ़ चुके हैं, टेन पाए माइनस थीटा क्या देता है, टेन पाए माइनस थीटा माइनस टेन थीटा देता है। टेन पाए माइनस थीटा क्या देता है, माइनस टेन थीटा। टेन पाए माइनस थीटा क्या देता है, माइनस टेन थीटा। अब माइनस टेन थीटा आता है जिसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ कितना, ये टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा रहता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कितना, टेन पाई बटे फोर, क्योंकि टेन पाई माइनस थीटा इसलिए माइनस टेन थीटा। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यही हम पढ़ेंगे, अब यही यदि माइनस नहीं रहता था, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा यदि ये माइनस नहीं रहता इससे पाई बटे फोर निकल जाता। लेकिन ये माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या पढ़े कि इलेवंथ में इस तरह से पढ़े थे फॉर्मूला, टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ कितना, टेन ये माइनस कहाँ चल जाएगा, अंदर पाई बटे फोर। तो ये आ गया इस फॉर्म पर, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। ऐसा हम तो ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे क्या, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स से क्या बाहर होता है, एक्स। एक्स की जगह क्या है, माइनस पाई बटे फोर। तो ये माइनस फाइव बटे फोर इस क्वेश्चन का आंसर है। ये थ्री फाइव बटे फोर आपका ऑप्शन होगा, तो ये नहीं मारना है, क्या मारना है, माइनस फाइव बटे फोर। उसी अनुसार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ फिर क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। ये कब लगाते हैं, जब एक्स का मान क्या हो, जीरो से पाई, मतलब जीरो से एक सौ अस्सी डिग्री के बीच का मान हो। लेकिन अब इसको हल करेंगे क्या देखते हैं, पाई बटे सिक्स, पाई बटे सिक्स का मतलब कितना होता है, थर्टी डिग्री। थर्टी डिग्री जब तेरह से गुना करेंगे क्या जाएगा, तिरती और चालीस, तीन सौ नब्बे डिग्री, जो कि ये तीन सौ नब्बे डिग्री ये आ जाएगा, तीन सौ नब्बे डिग्री, जो कि इसके, जो कि इसका रेंज क्या होता है, जीरो से एक सौ अस्सी डिग्री के बीच होता है। इसलिए इसका मान इसके बराबर नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑप्शन आपका पहला यही देगा। इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमको इस फॉर्म में लाना है, क्या जीरो और एक सौ अस्सी डिग्री के बीच में हमको लाना है। इसलिए इसको क्या करना है, इसको चेंज कर सकते हैं, क्या कॉस इनवर्स ऑफ कितना, कॉस कितना लिख सकते हैं, तेरह पाई बटे सिक्स को हम क्या ये लिख सकते हैं, देख सकते हैं टू पाई प्लस पाई बटे सिक्स, टू पाई प्लस पाई बटे सिक्स। जब इसी को हल करेंगे क्या आ जाएगा, लघुतम छः, छः से छः दोनों बारह, बारह में एक पाई बटेगा तो बारह है, एक तेरह, तेरह पाई बटे सिक्स। ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यह पढ़े इलेवन का फॉर्मूला क्या, कॉस टू पाई प्लस थीटा, टू पाई प्लस थीटा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फलन क्या होता है प्लस, इसलिए कॉस का कॉस ही रहता है, कॉस ऑफ थीटा का मान कितना है, थीटा। तो कॉस टू का प्लस थीटा क्या देता है, वो कॉस थीटा देता है। इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टू पाई प्लस थीटा, तो कॉस टू पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, पाई बटे सिक्स, तो पाई बटे सिक्स से इससे क्या निकल जाएगा, पाई बटे सिक्स। अब ये जीरो और एक सौ अस्सी डिग्री के बीच में ये तीस डिग्री आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पाई बटे सिक्स आएगा, तो ना कि ये तेरह पाई बटे सिक्स। ऑप्शन में आपको क्या रहेगा, तेरह पाई बटे सिक्स भी रहेगा और ये पाई बटे सिक्स भी दिया रहेगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थ्री पाई बटे फाइव, साइन इनवर्स ऑफ साइन थ्री पाई, थ्री पाई बटे फाइव। अब थ्री पाई बटे फाइव का मतलब क्या होता है, इसका यदि हम हल निकालते हैं, जैसे इसका फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर क्या होता है एक्स। एक्स कब निकालते हैं, जब ये एक्स बिलोंग टू माइनस नब्बे से नब्बे के बीच हो, तो माइनस नब्बे को क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई बटे टू से पाई बटे टू। इसका ये आंसर कब लिखते हैं, जब ये माइनस नब्बे और नब्बे के बीच में हो। तो यहाँ ये कितना है, थ्री पाई बटे फाइव,
थ्री पाई का मान 180 डिग्री होता है और बटे पाई में 5 से काटेंगे तो ये 36 बार में कटेगा, 36 गुना 3 करते थे हमको 108 आता है, जो कि हमको क्या है माइनस 90 और 90 के बीच, लेकिन क्या दिया 108, 108 क्या होता है 90 से डिग्री से अधिक होता है, इसलिए हम इसको ये आंसर नहीं बोल सकते हैं क्या 3π/5, ये आंसर इसका नहीं होगा। इसलिए इसको क्या करना है, इसको इस तरह से हल कर सकते हैं, जैसे इसको फिर से लिखना है क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन, अब हमको ऐसा लिखना है कि 3π/5 हो, तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं लिखना, तो पाई माइनस 2π/5। अब ये लिखने का मतलब क्या है, आप जब इसको हल करेंगे क्या आएगा 5 लगता आएगा 5π में, जब 2π घटेगा क्या आएगा 3π/5 आ जाएगा, जब इसको इस फॉर्म से लिखते हैं क्या आता है साइन पाई माइनस थीटा, क्या रहता है माइनस साइन पाई माइनस थीटा, पाई कहाँ होता है साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है जो होते हैं कि पाई, पाई तुम्हारा कहाँ होता है यहाँ, ये तुम्हारा होता है x एक्सिस में कुछ थीटा घटाएंगे तो आ जाएगा ऊपर, ऊपर कौन सा क्वाड्रेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है प्लस, इसलिए साइन अब एक्स एक्सिस पर पाई पर फलन चेंज नहीं होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ क्या साइन पाई माइनस थीटा क्या है तो ये थीटा क्या आएगा 2π/5। अब यहाँ से आगे क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम 2π/5, और यदि इसका मान हम देखते हैं निकाल के कितना होता है 2×180/5, 5 से काटते हैं 36, अच्छा 36 गुना कितना होता है 72 डिग्री, जो कि माइनस 90 और 90 डिग्री के बीच में आता है, तो क्या ये इस क्वेश्चन का यही आंसर है, ना कि 3π/5 भी इसका आंसर नहीं होगा। तो ये 6 क्वेश्चन में से कोई ना कोई आप आना ही आना है, हो सकता है खाली बस यहाँ चेंज करें, तो ये हमको बस यही ध्यान देना है कि इसका रेंज पर डिपेंड रहता है कि 10 है तो 10 का रेंज क्या होता है माइनस 90 के बीच, अगर कॉस का सवाल है तो हमको देखना कि 0 से 180 के बीच में ये वैल्यू है कि नहीं, अगर 0 से 180 डिग्री के बीच में होता तो क्या होता है डायरेक्ट यही हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का यही आंसर है, लेकिन कितना है 390 डिग्री आ रहा था, ये 13π/6 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, इसको क्या करना है इस फॉर्म में जो है हम हल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है। तो ये पहला टाइप था फार्मूला पर आधारित, और हम फार्मूला भी लिखते जा रहे थे, फार्मूला को पूरे कंटेस्ट याद करते जाइए, क्या कि ये सब अप्लाई आ रहा था, अगर हम इसको डायरेक्ट ये क्यों नहीं लिख सकते क्योंकि पता चलता है कि ये 10 का रेट क्या होता है माइनस 90 के बीच में आता है, इसलिए इसको क्या करते हैं इस फॉर्म में तोड़ने के लिए हमको इस सब का 11th का फार्मूला का जरूरत पड़ता है, इसलिए इस सबको याद होना चाहिए तभी आप आपका क्वेश्चन बनेगा, हम लोग तो आंसर रख नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोग 11th हो या 12th का जितना भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है कम से कम आप लोग को याद होना चाहिए।